हेलो दोस्तों, इस पर मैं बताने वाला मेरा एक नया प्रोसेसर के बारे में। जो मैंने एक नया प्रोसेसर अभी रिसेंटली बाय किया हो, राइजन 9 3900X की स्पीड क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट मैंने यूज़ किया हूँ और आपको ये जानना है, तो ये वीडियो देखते रहिए। Pixelly.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अभी तक रेंडर पे कुछ नहीं लगाया हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये मैंने राइजन अभी इसमें जो इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर चल रहा है, इसके डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो कूलर आता है जिसके साथ में, उस पर ही कर रहा हूँ। इस पर लगभग दिखा रहा है यहाँ पर मुझे 60 के आसपास का टेम्परेचर दिखा रहा है, 16 सेल्सियस के आसपास। और मैंने इधर पे रैम किंगस्टन का यूज़ किया, 32 GB रैम। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, एक तो मेरा जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और इधर पे मेरा है इंटरनल हार्ड डिस्क जो है किंगस्टन का इंटरनल हार्ड डिस्क है। ओके, ये रहा किंगस्टन, ये रहा, ठीक है। तो इसके भी जो आप टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्राफिक कार्ड GTX 660, जो मेरा पुराना ग्राफिक कार्ड है, तो बाद में मैं अपग्रेड करूँगा। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ रेंडरिंग में हम लोग का ज़्यादातर प्रोसेसर ही यूज़ होता है। GPU जब हम लोग RT रेंडर करते हैं, रियल टाइम रेंडर करते हैं, तब उस टाइम पे यूज़ होता है। तो इधर पे आप देख सकते हो, ये जो आपको इस तरह से इधर पे इसका टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। मैं इधर पे अपना एक सीन रेंडर करने वाला हूँ, एक सीन आपको रेंडर करके दिखाऊंगा। जो मेरे को रेंडर होने में लगा रहा था लगभग 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे लग जा रहे थे, उसका अभी स्पीड क्या मिल रहा है, किस टाइम पे वो रेंडर पूरा कंप्लीट करके दे रहा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रॉपरली। तो मैं आपको एक इमेज रेंडर करके दिखाता हूँ यहाँ पर, उसी का ही जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, जो 1 घंटा दिखा रहा, 1-1.5 घंटा दिखा रहा था, वो अभी कितना दिखा रहा है, उसकी जो टाइमिंग है रेंडरिंग टाइमिंग कितनी दिखा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और वो भी लाइव यहाँ पर देख सकते हो, ये रेंडर हो रहा है। ये लगभग मेरे को दिखाया था लगभग 8 कोर के प्रोसेसर में, 8 कोर का जो प्रोसेसर है, जो AMD का 8 कोर का प्रोसेसर है, उसके अंदर हम लोग को 1 घंटे का हम लोग को रेंडर टाइम दिखा रहा था। और इसमें क्या है कि जब मैंने इसको इस पे रन किया, यानी कि अपने राइजन 9 के अंदर, उधर पे मेरा टाइमिंग कितना फास्ट हो गया आप देख सकते हो, लगभग 6-7 सेकंड के आसपास आप देख सकते हो कि उतना फास्ट हो गया रेंडर कि ये पूरा आउटपुट आ गया। मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ अपने रेंडर को, आगे जाके आपको पता चले प्रॉपरली, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा 6-7 सेकंड तक। तो 6-7 सेकंड में थोड़ा स्किप कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि इसका फाइनली आउटपुट कितना टाइमिंग हुआ है। इसका टाइमिंग आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है और टाइमिंग आपको नीचे भी दिखाई देगा, तो इसका जब फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा तो। और यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स जो होते हैं ना, इसके कोर्स जो आ रहे हैं, इसके जो बॉक्सेस बन रहे हैं, 24 बॉक्सेस बन रहे हैं। अगर 8 कोर में क्या होता है कि 80 बॉक्स बनते हैं, 8 कोर कहाँ और 24 बॉक्सेस कहाँ, तो बहुत ज़्यादा ही स्पीड बढ़ जाती है उससे। जितने आपके बॉक्सेस बढ़ेंगे, अभी नए लेटेस्ट वाले में तो और भी ज़्यादा बॉक्सेस बढ़ जाते हैं, 64 बॉक्सेस आ जाते हैं रेंडर के टाइम पे, मगर वो तो 2 लाख के आसपास का प्रोसेसर बन जाता है। तो फिर उतना हैवी प्रोसेसर नहीं है ये 44 के आसपास, 48 या 44,000 का है। उसका मैं ये पूरा पूरा सिस्टम का मैं पूरा लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने क्या क्या यूज़ किया है और क्या क्या कॉम्पोनेंट मैंने अमेजोन से सबके साथ मैंने बाय किया हूँ, और यही है मेरा कॉम्पोनेंट। इसके ऊपर मैं बनाने वाला था अनबॉक्सिंग का भी वीडियो, वो सब सारी चीज़ें वो मैंने क्रिएट किया था, थोड़ा वो हो गया लेकिन सबके साथ मेरा कैमरा ख़राब हो गया, तो उसके चक्कर में मैंने पूरा पूरा इसका असेंबलिंग का जो वीडियो है वो क्रिएट नहीं कर पाया, वो कैमरे की वजह से, कैमरे में जो कि उसका बैकअप नहीं मिल पाया मेरे को, कैमरे में प्रॉपरली, यानी कि वीडियो बनाया था पूरा वीडियो करप्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मेरा जो लास्ट रेंडर हुआ है लगभग 4 मिनट, यहाँ पर नीचे दिख रहा है हम लोग को, देखो 4 मिनट यानी 5 मिनट के आसपास ये मेरा ये रेंडर हो चुका है पूरा पूरा कंप्लीट। 5 मिनट लगे हैं पूरे पूरे रेंडर कंप्लीट होने में, और क्वालिटी भी आप देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी आ गई 5 मिनट में। जो मेरे को लगभग आधे घंटे जा रहे थे जिस रेंडर को, लगभग आधे घंटे का रेंडर जो ले रहा था, आधा घंटा या 1.5 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास, तो वो मेरा 5 मिनट 10 मिनट के आसपास इसमें कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन PC है, यानी कि स्पीड अप रेंडर करने के लिए, यानी कि इसमें क्या है कि आपको फटाफट आउटपुट मिल जाएगा, फिर अपने और भी इसके अंदर और भी इन्हेंस कर सकते हो अपने व्यू को, और भी क्या क्या इसमें एडिशनल डालना है अपने व्यू को, और भी कैसा लुक देना है उसके अंदर आप काम कर सकते हो। अगर आपका रेंडर ही 1 घंटे में आ रहा है तो फिर आप लुक देखने में आपको टाइम लगेगा कि आपका लुक क्या आ रहा है। तो आपका स्पीड अप जब होगा, हर मशीन जब स्पीड होगी तो आपका वर्क भी स्पीड अप होगा। तो बस, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए,
इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।